हाँ जी बाबा, अंत में आठ राजाएं स्पष्ट दिखाई देगी। हाँ जी, आठ राजाएं अगर स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, आठ नौ ग्रह स्पष्ट दिखाई नहीं देंगे तो क्या अभी की तरह आठ और नौ ग्रह शांति से देखने में आवेंगे? ग्रहों में अशांति होगी, टकराहट होगी या नहीं होगी तो देखने में नहीं आएंगे। है कई देश आपस में लड़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, स्पष्ट देखने में आएंगी आठ राजाइयां। और अठारह के पहले स्पष्ट राजाइयां देखने में आएंगे। एकदम नहीं होता है कुछ भी। दुनिया बहुत बड़ी है या छोटी है? बड़ी है, तो बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है, उससे छोटी है आधार मूर्तों की दुनिया जो जड़ें फैली हुई है। जड़ें माने आधार, और उससे भी छोटी जो जड़ों में बीज होते हैं वो और छोटी दुनिया है। तो चाहे बीज रूप दुनिया हो, चाहे आधार मूर्त ब्राह्मणों की दुनिया हो, चाहे बाहर की 500 करोड़ की दुनिया हो, तीनों में फर्क देखने में आवेगा। कि वो ग्रुप्स आपस में टकराएंगे। ज्ञानी तो आत्माओं को अपनी दुनिया देखनी है, अपना घर देखना है या बाहर की दुनिया देखनी है? अपने घर में ही दिखाई पड़ेगा। और हाँ जी, ब्रा ड्रामा की शूटिंग चल रही है और मुकर्रर रथ के साथ 84 जन्म रहेंगे या नहीं रहेंगे? अपने बुद्धि योग से पूछो कि संगम युग में हमारा बुद्धि योग एक बाप के साथ रहता है या औरों के साथ चिपक जाता है जाके? अगर लगातार बाप के साथ रहता है तो जरूर किसके साथ जन्म लेंगे? बाप के साथ जन्म लेंगे। और इधर उधर बाप चुंबक है तो है, लेकिन चुंबक भी क्या करेगी? है लोहा का टुकड़ा दूर भाग जाएगा तो चुंबक खींचेगी नहीं खींचेगी? पता चला कि 84 जन्म रहेंगे कि नहीं रहेंगे और कौन रहेंगे? है हाँ जी, है हाँ है हाँ, बच्चों में तो रहते हैं। और बाबा मुक्ति मार्ग में 5 ब्रह्मा बताए हैं। हाँ, तो पहला दूसरा तीसरा। माता जी कुछ बोल रही? समझ गई। क्या हाथ उठाओ, क्या नहीं समझ में आया? क्रॉस क्वेश्चन करो। अरे कुछ पूछो ना, क्या समझ में नहीं आया? घुमा फिरा के पूछो। बाबा मुकर रत्न साकारिका
हिंद में इसको जाते हैं, शिव बाबा कहाँ रहते हैं? 24 घंटे शिव बाबा रहते हैं क्या? हाँ, बाबा ने कहा तुम ऐसे ही समझो कि मैं इस मुकर्रर तन में हमेशा रहता हूँ। बाकी ये भी बता दिया, बैल पर सवारी हमेशा होती है क्या? नहीं होती। बहुत बच्चे हैं रुद्रमाला के, कितने बच्चे हैं? मुखे मुखे कितने बच्चे हैं? 108 बच्चे हैं। उनमें खास सर्विस करता हूँ, सेवार्थ उनका मुख लेता हूँ। तो मुख लेने की यादगार वो रुद्रमाला के मणके हैं। कोई को अनेक मुख होते हैं, उनमें से एक मुख मेरा होता है और दूसरे दूसरे भी मुख होते हैं। दूसरी आत्माएं उन पर अधिकार जमा लेती हैं, तो वो उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। मेरी याद है? अरे बाबा ने कहा तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं, और जो अगर भूल जाते हो तो भूल जाए तो क्या होगा? दूसरी आत्मा हाँ प्रवेश कर जाती है। और हैं भक्ति मार्ग में 5 ब्रह्मा है, चार ब्रह्मा हैं, 5 ब्रह्मा हैं, पंचमुखी ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा। हाँ तो पहला ब्रह्मा है? पहला ब्रह्मा कौन? जो पहला होगा वो बड़ा बच्चा होगा कि छोटा बच्चा होगा? परम माने क्या? तो परम ब्रह्म कहा जाता है कि नहीं है? गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस श्रेष्ठ गुरु को नमन। सबको नमन नहीं, किसको? जो परम ब्रह्म है उसको नमन। उसको सर झुकाता हूँ, उसके सामने सर उठाता नहीं हूँ। उस बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए। और बाबा तुम्हें कोई है देहधारी? उसने जो संविधान लिखा है, संविधान लिखा है दुनिया चलती है कलयुग की। कोई बाबा साहब हैं? अच्छा, वो क्या करते हैं? वो संविधान लिखा है। वो संविधान लिखा है, क्या नाम है संविधान का? नाम नहीं मां, पूछ के आना फिर बात करना। सुनो ना बाबा, बाबा साहब को? हाँ बेहद में चले। अरे बेहद में तभी तो बताएंगे जब नाम बताएंगे आप। उनके संविधान का नाम तो बताओ। अरे कोई भी संविधान होता है, अमेरिका का संविधान, लंदन का संविधान, इंडिया का संविधान, तो उसका नाम है ना। भारत का संविधान, आपके बाबा के संविधान का नाम क्या है? कुछ नहीं पता। हाँ बोलो। दूसरा ब्रह्मा कौन आएगा? हैं दूसरा? लाइन में क्लियर हुआ? हेलो, क्या क्लियर नहीं हुआ बोलो ना। पहला शंकर बोला ना बाबा, क्या तस्मै श्री गुरुवे नमः? हाँ, तो वो शंकर से भी ऊंचा शिव है। अरे शंकर की आत्मा अलग और शिव की आत्मा अलग, दोनों का शरीर एक है लेकिन आत्माएं तो अलग अलग। तुम्हारी बुद्धि में कौन सी आत्मा रहती है? साकार में जो होगा वो पर ब्रह्म होगा ना फिर? हाँ जी, लेकिन परम ब्रह्म जो है उसको कहा गया जिसने शिव के समान स्टेज को पकड़ लिया। तो पकड़ेंगे तब ना? अभी हम काय को माने? हम अभी मानने वाले नहीं है ना। और दूसरा कौन आएगा? हैं दूसरा? दूसरा क्या? दूसरा ब्रह्मा। अरे दुनिया में भक्ति मार्ग में कौन से दो देवताएं जिनका बहुत गायन होता है? तो बस। और तीसरा हैं? हाँ तीसरा कौन आएगा? तीसरा बताओ कौन है जिसको तुम आवाहन कर रहे हो?
हैं? हाँ, और चौथा वही है जिसके साथ होने से वो महालक्ष्मी कही जाती है, तब तक सिंगल लक्ष्मी, और जो रह गया सो पांचवा। और हाँ, और बाबा हाँ, बड़े बड़े मंदिर होते हैं ना लक्ष्मी नारायण के, शिव के, तो उसमें अंदर तो मूर्ति को हाथ नहीं लगाने देते हैं ना, तो मतलब वही पूजा करते हैं, वही अंदर सारा झाड़ू बीड़ू लगाते हैं, सब करते हैं, तो यहाँ वो शूटिंग हो गई या हो रही होगी या होने वाली है? जब पूरी राजधानी स्थापन होगी, उस राजधानी में राम का मंदिर स्थापन होगा या नहीं होगा? होगा। तो पूरी राजधानी में कितने होंगे? 8 होंगे। कौन पूजा करेंगे? 8 की पूजा करेंगे। तो वो किसी दूसरे को घुसने देंगे फिर? हाँ, मंदिर के प्रवेश द्वार पर घंटा बजाकर हमारे पूर्वज ने क्या संदेश दिया है हमें? ये घंटा बजाकर अंदर जाने का क्या राज है? हाँ, ये राज है कि जब कोई के दरवाजे पे जाते हैं तो क्या करते हैं? बेल बजाते हैं, है ना? और सवेरे को जाएंगे तो बार बार बेल बजाएंगे, कहीं सोते हो तो जग जाए। तो भगवान भी आजकल एक चित्र बनाया जाता है भगवान का, औंधा पड़ा है, सो रहा है, है? तो आँख खुलने वाली है या सोता रहेगा? हैं? अब आँख खुलने वाली है तो खोलने के लिए निमित्त कौन बनते हैं? घंट बजाने वाले भगत, वो बड़े घंट बजाएंगे। आप बजाएंगे कि नहीं? अरे घंट बजाएंगे कि नहीं? बजाएंगे। अरे 8 की गिनती में नहीं आएंगे? घंट बजाएंगे या 8 की गिनती में आएंगे? 8 घंट बजाएंगे? नहीं बजाएंगे। हाँ जी, और बाबा हाँ, निराकार बनने के लिए हाथ उठाओ। हाँ, निराकार बनने के लिए पड़ेगी। अच्छा, क्या? निराकार बनने के लिए छित्तर उठाने पड़ेंगे का मतलब है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या साधारण स्थिति नहीं है निराकारी स्टेज में स्थित रहना, इसीलिए तो गीता में लिखा है अव्यक्ताद गतिर दुखम देह बद्धिर्वापिते, जो देहधारी होते हैं उनको निराकारी स्टेज बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है। निराकारी स्टेज को प्राप्त करने वाले वो क्षिप्र बुद्धि धर्म पिताएं 8-9 और आत्माओं को वो निराकारी स्टेज वाली क्षिप्र बुद्धि प्राप्त उतनी नहीं होती जितनी उनको होती है, इसलिए उनका दुनिया में गायन ज्यादा है। किनका? धर्म पिताओं का। और हाँ जी, हाँ, तो नंबर पूछ जाते कि जो ज्ञान को अर्जुन करता है वो अर्जुन कौन है? भील अर्जुन से आगे चला गया। तो जहाँ भील बताया है वो भील कहाँ रहता था? जंगल में रहता था। और महलमाणियों अटारियों में कौन रहता था? है अर्जुन। भाग्य का अर्जन करता है या नहीं करता है? है, करता है। तो कौन हुआ? जब वो भील राम वाली आत्मा कांटों के जंगल में पार्ट बजाती है, रहती है, तो वो कौन सी आत्मा है जो महलवाणियों अटारियों के बीच में, अटारी धारों धारियों के बीच में रहती है? हैं? ब्रह्मा वाली आत्मा रहती है। और बाबा जी ने पूर्णा होता है ना, हाथ उठाते जाओ। हाँ, बाबा जी ने पूर्णा होता है ना कि बाप की पहचान सुनाए हम। हाँ, सारे तो उसके लिए बाबा प्रबंध कर रहे हैं।
हाँ अभी तुम्हें इधर उधर भटकना पड़ता है, तुम्हारे पास कोई नहीं आता, फिर बाद में क्या होगा, सुनेंगे हाँ वो बहन वो भाई इन बातों को सुनाता है, दौड़े दौड़े उनके पास जाएंगे। प्रबंध कर रहे हैं बाबा ऐसा, माउंट आबू अब कहाँ कर रहे हैं, माउंट आबू में ही सुनने वाले ज्यादा हैं। हाँ है रावण माने क्या, रुलाना रुलाना पिलना रोना कब होता है, जब दुखी होते हैं तब रोते हैं या सुखी होते हैं तब रोते हैं, दुखी होते हैं तो बहुत रोते हैं, तो दुख देने वालों में कोई अव्वल नंबर है, कौन है रावण को तो अनेक सिर हैं, वो कौन है जिनको सिर तो एक है लेकिन बड़े ते बड़ा रावण बनता है। हाँ राम वाली आत्मा ही 500-700 करोड़ को रुलाने वाली बन जाती है, इसलिए बोला है कि राम सीता खादी के राजा रानी हैं। खादी जो होती है वो संगम युग रूपी बरसात में बहुत दुख देती है, बहुत भारी पड़ जाती है सबको, और गर्मियों में बहुत ठंडी रहती है। ये बरसात का मौसम है संगम युग, जब राम सीता वाली आत्माएं सारी दुनिया को भारी पड़ जाती है, और सतयुग त्रेता है सर्दी का मौसम, वहां बहुत सुखदाई है। द्वापर कलयुग है गर्मी का मौसम, दिमाग सबके गर्म रहते हैं विकारों से, उस टाइम भी बहुत सुख देती है खादी, बहुत गर्मी देती है कब, सर्दी में। और सहनशील भी बनना है और पावरफुल भी बनना है, लेकिन कहाँ पे स्वयं को पावरफुल बनाएंगे कैसे, तभी स्वयं से भी बनेंगे, स्वयं ही अंदर से भावना आए कि मुझे सारे विश्व का कल्याण करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़े, ऐसा स्वयं सेवाधारी बनना कि मैं सारे विश्व का सेवाधारी हूं, विश्व की 500 करोड़ आत्माएं ये अनुभव करें कि मुझे इस आत्मा से सेवा मिल रही है, रूहानी सेवा मिल रही है, तो क्या करना पड़े, पुरुषार्थ करना पड़ेगी नहीं है, ज्ञान का योग का धारणा का सर्विस में रहने का ये पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, तो मैं अव्वल नंबर जैसे झाड़ के चित्र के ऊपर वो बैठा हुआ है सारे विश्व की आत्माओं को क्या दे रहा है, हैं सकाश दे रहा है ना, बाबा ने बोला मैं तुम बच्चों को अंत में नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, तो ऐसे ही हमको भी ऐसा पुरुषार्थ करना है, कैसा कि सारे विश्व की आत्माएं मेरा आधार लें, इतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और बाबा वो प्रश्न पूरा नहीं हुआ ना, अरे तो तभी बोला क्यों नहीं, सोच सोच के क्यों बोलते हो, अष्ट देवी वो मूर्ति को ये करेंगे ना, क्या करेंगे, मना संभालेंगे पूजा करेंगे उनकी, गायन करेंगे। हाँ जी, तो अभी ये शूटिंग जैसे लग रहा है उसका क्या, अभी तो नहीं पूजा कर रहे हैं, पूजा नहीं मना, अभी पूजा तो नहीं कर रहे हैं, पूजा नहीं कर रहे, ऐसे बोलते हम ही अभी जा सकते हैं आप नहीं जा सकते, ऐसे ऐसे बोलते हैं, वो बोलते हैं ना, कौन बोलता है बताओ, उसका नाम बताओ कौन बोलता है,
याद नहीं जब पहला ही नंबर नहीं बोलेगा तो दूसरे बोलेंगे हैं? देव की बात नहीं। हाँ, नष्ट देव हो चाहे अष्ट देव हो, नष्ट देव भी नहीं, कोई भी हो, जो बनने वाले होंगे वो अपने मुख से नहीं बोलेंगे, बनने वाले बोलेंगे नहीं, मुख से नहीं बोलेंगे कि मेरा ये नंबर है, मैं अष्टदेव में तीसरा या दूसरा या पहला नंबर हूँ। नहीं, अष्टदेव की बात नहीं। हाँ, वो मूर्ति के पास जाने की बात। तो वो ही तो होंगे पहले पहले। और तो राजधानी में पहले पहले कोई होंगे ही नहीं, छोटी राजधानी स्थापन होगी, पारिवारिक इकाई होगी या ढेर सारे परिवार निकलेंगे पहले? नहीं नहीं, राजधानी होगी वो तो राजधानी हुई छोटी सी। तो अभी वो हो रहा है, उसका क्या है? अभी क्या हो रहा है? अभी राजधानी स्थापन हो गई, अशोक बाबा आ गया, फिर और उनका क्या है, उनके स्थित रहना मतलब क्या है, उनका नाम क्या है और उसमें स्थित रहना क्या मतलब है? ओंकार नाथ आ उ का, आ माने ब्रह्मा, उ माने विष्णु, मा माने महेश, तीनों का करने वाला कार, कारक, तीनों का रचने वाला कारक कौन हुआ? शिव, उसी को कहेंगे ओंकारनाथ, तीनों को नाथने वाला, कंट्रोल करने वाला, वो ओंकार नाथ है। और माउंट आबू इतनी भाग्यवान भूमि है कि भगवान के दर्शन के लिए क्यों लगेगी, तो बाकी लोग तो कितने भाग्यवान होंगे फिर। हाँ, आपने तो जन्म नहीं लिया वहाँ है, आपको वहाँ दौड़ दौड़ के जाना पड़ रहा है उनकी सेवा करने के लिए। तो भाग्यशाली हैं या नहीं है, वीआईपी हैं या नहीं है, वीआईपी हैं? मुरली ने बोला है कर्म वृक्ष के चित्र के बारे में, सृष्टि रूपी जड़ का वृक्ष जिसकी लकड़ी पानी में पड़ी रहने पर भी सड़ती नहीं। हाँ, ऐसा बोला। हाँ, कर्म वृक्ष के पानी में पड़ी रहने पर ही नहीं सड़ती है। पानी में पड़ी रहने पर भी सड़ती नहीं। हाँ जी, पानी माने ज्ञान जल, जो वट वृक्ष है वो वट वृक्ष है कि जो हड्डी हड्डी सेवा है यानी शरीर है वो कहाँ पड़ा रहता है? ज्ञान जल में पड़ा रहता है। ज्ञान जल में पड़ा रहने के कारण वो सड़न नहीं आती है उसमें, ये स्पेशलिटी है उसकी, इसलिए नारायण नाम पड़ा है। कैसा नर है? ज्ञान जल में रहने वाला। और अनिश्चय बुद्धि बनने की सवाल ही नहीं, सड़ांध आने की सवाल ही नहीं। सड़ांध आती है तो क्या निकलता है? बदबू निकलती है, बदबू ग्लानी को कहा जाता है। भगवान के प्रति उसके मुख से ग्लानी नहीं निकल सकती, गायन निकलेगा लेकिन ग्लानी नहीं निकल सकती। और हाँ जी, बच्चे बाप से कुछ सवाल पूछते हैं, बच्चे बाप से कुछ सवाल पूछते हैं, उनका जवाब बाबा से पाना चाहते हैं, बीच में कोई जो है उसका सब जवाब देने की कोशिश करते हैं बीच में। हाँ, उनकी शूटिंग कैसी हो? उन्हें वेरीफाई कराना चाहिए, अगर वेरीफाई नहीं कराते हैं, स्वयं निश्चय बुद्धि होकर के जवाब देते हैं तो कैसे कहा जाएगा कि उन्होंने जवाब दिया है वो सच्चा और पक्का जवाब दिया है? वेरीफाई तो कराना चाहिए, अपनी मनमत पर चलने वाले हैं, मनमत पर नया शास्त्र लिखेंगे या एक की मत पर चल करके एक ही शास्त्र को मानेंगे, क्या करेंगे वो? हैं?
वो जो ये बता रहे हैं उनकी बात कही, वो वेरीफाई करें, जो वेरीफाई नहीं कराते हैं और अपनी मनमत पर प्रश्न का जवाब दे लेते हैं और वेरीफाई ना करा करके उसको पुस्तकों में छपा देते हैं, शास्त्र बना देते हैं, तो वो नया शास्त्र बनाने वाले, बाइबल बनाने वाले, कुरान बनाने वाले विधर्मी हुए या स्वधर्मी हुए? विधर्मी की शूटिंग कर रहे हैं। बाबा हाँ जी हाँ जी छोड़ दे आकाश सिंह हसन, जल्दी छोड़ दे, माने ऊंची स्टेज में है ना, तो जब ऊंची स्टेज में पुरुषार्थ किया जाता है तो इंद्रियां शीतल हो जाती हैं या गर्म रहती हैं? शीतल हो जाती हैं। तो नीचे स्टेज वाले कहते हैं मुझे संघ का रंग लगाने के लिए नीचे आ जा। कहाँ की बात है? है यहाँ की संगम की बात है। और है जैसे शिव शंकर कहते हैं वैसे जो भीम रूप धारण करता है, भीम माने भयंकर, वो ही भीमा शंकर है क्या? और भयंकर ते भयंकर रूप कौन धारण करता है? अरे कौन धारण करता है संसार में? ऐसा कौन है जो बहुत भयंकर संसार के लिए रूप धारण करता है? हैं? रुद्र। हाँ जी रुद्र कहा जाता है। इस रुद्र के बनाए हुए ज्ञान यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा हो जाती है, कीड़ा मकोड़ा हो, जानवर हो, मनुष्य हो, उसे आग में झोंका जाएगा तो बिलबिलाएगा कि नहीं? पहले बिलबिलाएगा या तुरंत शरीर छोड़ देगा? हैं? कुछ तो बिलबिलाएगा। आगर से नदियां निकलती, हाथ तो उठाया करो, तो नदियों का पानी मीठा होता है? नदियों का पानी मीठा होता है। सागर का पानी कहीं खारा भी होता है और कहीं मीठा भी होता है। सागर माने ज्ञान सागर। ज्ञान सागर का जो पानी है, जो रुद्रमाला के पक्के बच्चे हैं उनके लिए मीठा होता है और जो कच्चे हैं, है? जो तथाकथित ब्राह्मण कुमार कुमारी ब्राह्मण है नीची कुरियों के लिए, उनके लिए कैसा होता है? खारा। तो ज्यादा खारा होता है ज्यादा लोगों के लिए या ज्यादा लोगों के लिए मीठा होता है? ज्यादा लोगों के लिए खारा होता है। सारी दुनिया के लिए भी खारा और जो नीची कुरियों के ब्राह्मण हैं उनके लिए भी खारा। थोड़े से ब्राह्मण हैं जिनके लिए मीठा पानी होता है। और बाबा जो चुल पर सो दिल पर बोलते हैं ना, हाँ, तो विश्व महाराजन तो चुल माना दिलों पर है, सबके दिलों पर राज करते हैं। विश्व महाराजन बनने वाली आत्मा, हाँ, सबके दिलों पर राज कर रही है ना, हाँ, तो चुल पर कैसे? चुल पर कैसे फिर? कमाल है, इतनी बात आज तक नहीं समझे। अरे चूल्हे पर क्या किया जाता है? खाना बनाया जाता है। अच्छा खाना कहो, भोजन कहो, अनाज कहो, ये बेहद का और हद का दोनों तरीके का होता है या एक ही तरीके का होता है? दोनों तरीके का होता है। हद का अनाज होता है, उसका तो मिसाल जगन्नाथ मंदिर वालों ने एक किताब बनाई है। क्या बनाई है? हैं? कलयुगी नारायण पिक्चर बनाई ना, तो उसमें दिखाया है
कि जब वो नारायणी से मिलने जाते हैं तो खाना बनाने के लिए उनको रोटी दाल दे दी जाती है, बनाओ। चूल्हे में आग लगाते हैं, फूंकते जाते हैं, आंखें गर्म होती जाती हैं, आंसू निकलते जाते हैं, धुआं होता जाता है। कौन सा धुआं होता जाता है? हैं? नहीं, जितना जितना वो चूल्हा जलाते हैं उतना उतना ग्लानि का धुआं उड़ता जाता है। उनका चूल्हे जलाने से कोई फायदा नहीं होता है। वो विकारों की लकड़ियां गीली होती हैं या सूखी होती हैं? गीली होती हैं, इसलिए बहुत धुआं करती हैं। तो यहां बेहद की बात है, जो चुल पर सो दिल पर। नारायण के लिए चुल पर कौन है? हैं? लक्ष्मी। तो दिल पर नारायण के कौन बसा हुआ होगा? लक्ष्मी बसी हुई होगी। इसलिए डायरेक्शन दिया, क्या करो? हैं? लक्ष्मी जी का आवाहन करो तो तुम्हें बढ़िया बढ़िया मालपुआ मिलेंगे, हैं? और तुम्हारी कोई ग्लानि संसार में नहीं होगी। और है राशि कृष्ण और राय क्राइस्ट की राशि मिलाते हैं। हाँ, संगमयुगी कृष्ण की राशि नहीं मिलाई जाती। कैसे लागू होता है? संगमयुगी कृष्ण की जो राशि है वो सतयुग के कृष्ण के साथ नहीं मिलाई जाती। सतयुग का कृष्ण क्राइस्ट हुआ ना, दिखावा करने वाला, कागज के प्रदर्शनी के चित्र दिखाता है, बड़े बड़े महल महारियां अटारियां सुखधाम दुख क्या सुखधाम और शांति धाम बनवा के दिखाता है। परमिशन देता है कि नहीं बनाने की? है तो पाम्प एंड शो वाला क्रिश्चियन हुआ कि नहीं हुआ? गोरा चिट्ठा है या नहीं है? लंबा चौड़ा है या नहीं है? है तो है। हाँ, न्यायपालिका कोर्ट में उन देवी को दिखाते हैं, स्टैचू को दिखाते हैं, उसकी पट्टी लगाई है। अंधी है, धृतराष्ट्री है, धृतराष्ट्र की पत्नी है, अंधी है, ज्ञान की अंधी है, इसलिए पट्टी दिखाई है। और हाँ, उनको इंसाफ कब मिलेगा? उनको इंसाफ कब मिलेगा? क्या इंसाफ कब मिलेगा? हम आपसे नहीं पूछ रहे, तू पूछ रहे वो बोलो। वो अंधी है ना, तो उनको इंसाफ कब मिलेगा? जो अंधी है, वो अंधी है ना, पट्टी बांधी हुई। हाँ, वो सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, हाँ चल रहे, बाबा की सेवा पे चल रहे, तो उनको इंसाफ। अंधे और लंगड़े की कहानी सुनी? ब्राह्मणों की दुनिया में ये कहानी प्रैक्टिकल में चल रही है कि नहीं चल रही है? तो जो अंधी है उसको श्रीमत मिली हुई है कि नहीं? क्या करना है इंद्रियों से और क्या नहीं करना है? जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं आंखें, उन आंखों से विचार करना है या एक बाप की याद में रह करके मुरली के गुहराज को समझना है? मुरली क्या कहती है? अनेकों के साथ आंखों का लेन देन करना है दृष्टि का, या एक के साथ करना है? तो अंधी है या सोझरी है? नहीं समाधान हुआ? अरे बोलो ना, हो गया। हाँ, आगे बाबा याद में तीखे जाने के लिए कुछ टिप्स या आइडिया है? याद में तीखे जाने से कुछ आइडिया है क्या? हाँ जी, खुशी का पारा ऊपर चढ़ जाएगा, खुशी का पारा बाहर नहीं रहेगा। और हाँ जी,
बाहर की दुनिया है, विधवा माता है, उनको पवित्र होते हैं, वो भी हिंदू धर्म में धार्मिक कार्यक्रम में उनको स्थान क्यों नहीं दिया जाता? बाहर की दुनिया में जो विधवा माताएं होती है वो पवित्र होती है, फिर भी उनको दुनिया में स्थान क्यों नहीं दिया गया? क्या बाहर की दुनिया में धार्मिकता में उनको स्थान क्यों नहीं है विधवा? बाहर की दुनिया में, विदेशों की दुनिया में और माताएं कन्याएं विधवा होती हैं, वो दूसरी शादी नहीं कर लेती हैं? भारत की हैं, भारत की, हाँ भारत की माताओं को स्थान क्यों नहीं है आध्यात्मिकता में बाहर दुनिया? वो उनके देश की नहीं है, जो बाहर के देश वाले हैं उनको तो वो निकालते रहते हैं भाग यहाँ से। देश कहाँ है? अपने धर्म अपने राज्य में स्थान क्यों देंगे? वो भारत से पूछ रहे हैं। अभी तो विदेश की बात कर रहे हैं। नहीं, भारत की दुनिया। भारत की माताएं जो हैं, जो विधवा बनती हैं, उन विधवाओं को आध्यात्मिक पवित्र कार्यों में कोई कार्य होता है स्थान नहीं देते हैं, पवित्र कार्यों में अनुष्ठानों में। उसका कारण ये है कि ये दुखधाम है, रावण राज्य है, रावण राज्य में कोई कन्या अगर जीवन भर पवित्र रहे तो कोई मानता नहीं है कि ये पवित्र रह सकती है, विश्वास नहीं करते हैं। इसी तरीके से जो विधवा होती है उसके लिए भी ये मान्यता है कि इसके पूर्व जन्म का जो हिसाब किताब है वो अच्छा नहीं है, अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया है, गंदा पुरुषार्थ किया है, इसलिए इस जन्म में ये विधवा बन गई। इसलिए बाबा ने कहा पूर्व जन्म की कोई वैश्या है और इस जन्म में आकर के प्रभु खुदान खास्ता ब्राह्मण बन गई तो भी वो अंत में कहाँ चली जाएगी? वैश्यावृत्ति की तरफ ही चली जाएगी। ये पूर्व जन्म के संस्कार उसको खींच लेते हैं। ये बात दूसरी है कि वो ढोल मजीरा बजा के शादी नहीं करेगी, गुपचुप हो करके शादी कर लेगी। बाबा कहते हैं बेकार में जाना माने शादी करना। और बाबा दूसरे नंबर में कृष्ण वाली आत्मा आती है ना? हाँ जी, दूसरे नंबर का ब्रह्मा कृष्ण वाली आत्मा है ना? हाँ जी, क्यों लक्ष्मी क्यों नहीं, यही पूछ रहे। भारतीय परंपरा में भक्ति मार्ग में भी गायन है और प्रैक्टिकल में देखने में भी आता है कि माँ को वर्षा दिया जाता है, पति जो है पत्नी को वर्षा देता है, विश्व की बादशाही का सारे कारोबार का वर्षा पत्नी को सौंपता है या बच्चे को सौंपता है? क्यों है बच्चा दुकान चला सकता है, माँ भी तो क्यों चला सकता है, माता क्यों नहीं चला सकती? माता ज्यादा अनुभवी है जीवन की, लंबे जीवन की, या बच्चा ज्यादा अनुभवी है? है माता अनुभवी, तो माता को विश्व की बादशाही का वर्षा मिलना चाहिए। स्त्री चोला है, स्त्री चोला है तो कोई पाप हो गया? स्त्री चोला है तो और ही झंडा मिलना चाहिए भारत माता को। विजय का झंडा किसको मिलना चाहिए? भारत माता को मिलना चाहिए। अरे अपनी विशेषता नहीं पकड़ पाते, माताओं में प्योरिटी जो है बच्चे के मोह में आकर के खंडित हो जाती है और बच्चे को वो प्योरिटी की पावर मिल जाती है, इसलिए बाद में पैदा होने वाले बच्चों को बादशाही नहीं मिलती। जो बड़ा बच्चा होता है लंबे समय की प्योरिटी के आधार पर बादशाही का हकदार बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि दुनिया के सारे कार्य प्योरिटी से होते हैं। इसलिए कृष्ण बच्चे को बादशाही मिलती है, लक्ष्मी को बादशाही नहीं मिलती। कृष्ण को तो शरीर नहीं अभी है, उनको तो शरीर नहीं है ना अभी। आत्मा तुम देखते हो या देह में बुद्धि धरी रहती है? बाबा कहते हैं तुम आत्मा को देखो। तो आत्मा जाती रहती है कि देह जाती रहती है मूंछों वाली? तो फिर ओ बड़ी मुसीबत है। तो कृष्ण
प्रैक्टिकल में कैसे? प्रैक्टिकल में ये आत्मा और देवान की बड़ी भारी मुसीबत है। दूसरे नंबर कैसे मानेगी? किसको? दूसरा ब्रह्मा है, दूसरे ब्रह्मा बच्चा है ना, वो अपनी माँ का क्या है? बच्चा है। बच्चा जो है वो हकदार होता है काहे का? माता पिता के वर्षे का। और इसलिए 108 में भी आते हैं? 108 में भी आएंगे क्या? नहीं, 108 की रुद्रमाला अलग, उसमें नहीं आ सकता। वो रुद्रमाला का मणका है क्या? बाप का बच्चा है? वो बाप का बच्चा है? नहीं है, अभी नहीं है। अभी कभी बनेगा? बनेगा। नहीं बनेगा? वो आत्मा रुद्रमाला का बच्चा नहीं बनेगा, शिव का बच्चा नहीं बनेगा। शिव से डायरेक्ट बादशाही लेने का हकदार नहीं बने। किससे लेगा? देहधारी मनुष्य से, देवता से वर्षा लेगा, भगवान से वर्षा नहीं लेगा। हाँ जी, हैं? हार्ट फेल नहीं होता। हाँ जी, ऐसे योगी कैसे होंगे? ऐसे योगी कैसे होंगे जिनका हार्ट फेल नहीं होता? जैसे शंकर जी योगी हुए ऐसे योगी होंगे। जैसे ब्रह्मा का बड़ा ज्ञानी युक्त पुत्र जो है सनत कुमार, योगी ईश्वर कहा जाता है, योगियों का ईश्वर कहा जाता है। जैसे भक्ति मार्ग में कृष्ण को क्या कहते हैं? कृष्ण को योगी राज कहते हैं। ऐसे ही योगीश्वर जो होता है वो ही हो सकता है जिसका हार्ट मजबूत हो। और डबल केला होता है उसको खाने के लिए मना करते हैं। देखो फलों का राजा कौन होता है और रानी कौन होती है? हैं? तो एक रानी के साथ खाना पीना करना चाहिए या अनेकों रानियों के बाद? भक्ति मार्ग में सारी स्थूल मान्यताएं उठा ली है और ज्ञान मार्ग में उनका आध्यात्मिक अर्थ उठाया गया है। और हैं? प्रवृत्ति कहते हैं व्रत, जो गोला खींचा है उसको क्या नाम देते हैं? है व्रत। प्रमाणे प्रकृष्ट रूपेण प्रवृत्त। जैसे कबूतर है ना, और कबूतरी को देखा? ध्यान से नहीं देखा? अरे जिनसे देखा हो बता दो भाई, ये तो कहते हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा। अरे कोई नहीं, नहीं देखा है? देखा क्या? देखा कि कबूतर जो है वो कबूतरी का व्रत लगाता रहता है, तेजी से चक्कर काटता है। वो तो कबूतर को दिखाया जो गंध करता रहता है, शिव बाबा के मंदिर में भी गंध कर देता है। क्या करता है कि नहीं? यहां भी बेहद के कबूतर हैं। क्या हैं? ऐसे बेहद के कबूतर हैं जो शिव बाबा के घर में भले रहते हो लेकिन उनकी बुद्धि जो है वो चक्कर काटती रहती है गंध करने वाली कबूतरी के आसपास। उनको कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग का कबूतर। ऐसे मनुष्य भी होते हैं प्रवृत्ति मार्ग के कबूतर और प्रवृत्ति मार्ग की कबूतरी। प्रवृत्ति और फिर निवृत्ति। ने माने निशेष,
चक्कर नहीं काटते हैं। एक होता है स्थूल में चक्कर काटना और एक होता है बेहद में चक्कर काटना। सन्यासी स्थूल में चक्कर नहीं काटते हैं, लेकिन कैसा चक्कर काटते हैं? बुद्धि से बेहद में चक्कर काटते रहते हैं। होना चाहिए शरीर से भी प्रवृत्त और बुद्धि से भी प्रवृत्त। मन बुद्धि दोनों से, तन से मन से प्रवृत्त है तो पक्का प्रवृत्ति मार्गी है, नहीं तो तन दूसरी जगह लगा हुआ है और मन दूसरी जगह लगा हुआ है। तन है अपनी पत्नी के साथ और बुद्धि कोई और कन्या या माता में लगी रहती है, प्रवृत्ति रहती है, तो पक्का प्रवृत्ति मार्ग का हुआ या निवृत्ति मार्ग का हुआ? क्या कहेंगे हैं? निवृत्ति मार्ग का हुआ। हाँ जी, पाने के लिए खोना पड़ता है, अच्छी बात है। ज्ञान में भी बहुत कुछ पाने के लिए, जो अपने पास बहुत कुछ हम समझते हैं, तन है, मन है, धन है, समय है, संपर्क है, संबंधियों की ताकत है, वो सब कुछ खोना पड़ता है, स्वाहा करना पड़ता है, तो हमें शुभ बाप से सब कुछ मिल जाता है। बांदेलिये माता तो बहुत सोचती है, बांदेलिये माता रहती है, बहुत सोचती है कि सब अर्पण करे, लेकिन कुछ भी अर्पण नहीं कर पाती, सिर्फ मन से बाबा के पास भागने का प्रयत्न रहता है। जिसने मन दे दिया उसका कुछ अपने पास रह जाता है? मन माने बुद्धि, मन और बुद्धि साथ साथ है, मन और बुद्धि को आत्मा कहा जाता है। जिसने मन अर्पण कर दिया, मान लो पति के साथ है, प्रवृत्ति में है, तन से भी प्रवृत्ति में है, धन से भी प्रवृत्ति में है और मन से भी प्रवृत्ति में है, तो तन मन धन तीनों ही चक्कर काट रहा है साकार प्रवृत्ति पति के साथ। दे दिया ना, उसके पास क्या रह गया? अरे उसके पास कुछ रह गया कि नहीं देने को है? नहीं, मन जो है फिर भी रह गया, नहीं रह गया? मन बंधन में रहता है तो मन है, मन जब बंधन में नहीं है तो मन रे आत्मा, मन ही आत्मा है पुरुषार्थी जीवन में। मन को अगर कंट्रोल कर लिया बाबा की याद में तो समझ लो सब कुछ हमने बाबा को दे दिया। हाँ, पहले वृक्ष की संख्या बहुत थी और अब कलयुग में वो घट रही है, तो वो वृक्ष की संख्या कलयुग में बढ़नी चाहिए, पर वो आत्माएं कहाँ जाती है? समझा? पेड़ों की आत्मा होती है ना, पेड़ों की आत्मा। हाँ, पहले पेड़ ज्यादा थे, अब कम हो गए, तो वो आत्माएं कहाँ गई? नहीं 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 नहीं, पेड़ कम नहीं हो गए, छोटे छोटे पौधे और ज्यादा बढ़ गए। बड़े बड़े पेड़ जो है जिनमें लकड़ी ज्यादा है वो भले काटी जा रही है, लेकिन छोटे छोटे पौधों की संख्या बहुत बढ़ गई। जैसे डायनासोर नहीं रह गए, लेकिन दूसरे किस्म के चौपाए उनकी संख्या बहुत बढ़ गई। तो हर एक जीव जंतु की संख्या, हर एक प्राणी मात्र की संख्या, हर एक जानवर की संख्या, हर एक मनुष्य मात्र की संख्या संसार में बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है, घटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कीड़े मकोड़े कीटाणु, ये बीमारी के कीटाणु, मक्खी मच्छर, ये संसार में बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? ढेर सारी विदेशों में दवाइयां छिड़की जा रही है कि नहीं है? छिड़की जा रही है, उन कीटाणुओं की संख्या बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है, क्योंकि ऊपर से आत्माएं लगातार, आत्माएं उतर रही है,
इसलिए संख्या घटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, चित्र में कौन से चित्र में? चित्र में भी चित्र को याद करो। हाँ जी, हाँ जी, चरित्रवान बन जाएंगे। हाँ जी, ऐसे बोला है मुझे। हाँ। तो जब हम साकार शरीर का चित्र सामने लाते हैं तो उसमें थोड़ा चेंज लगता है। हाँ? पहले चेंज हो गया ना? क्या चेंज हो गया? साकार शरीर में चेहरा जो है ना थोड़ा सा चेंज हो गया। थोड़ा सा माने? यानी कि 2005 के पहले जब वीडियो देखते ना और आपका साकारी तन, इसमें अभी अभी का जो साकारी तन में हम याद करते हैं शिव बाबा को, तो उसमें थोड़ा चेंज हो गया है। क्या चेंज हो गया है? यानी कि अरे संक्षेत्र में, साकारी तन में, संक्षेत्र में चित्र में विचित्र को याद करना है ना। और अब की बात कर रहे? हाँ। नहीं, जब आप ज्ञान में आए तब की बात कर रहे? अभी जब ज्ञान में आए एडवांस में तब की बात कर रहे? नहीं, पहले वाले वीडियो बेसिक में। नहीं नहीं, एडवांस में पहले वाले वीडियो देखते ना, अभी पहले वाले साकार तन और अभी का साकार तन में चेंज हो गया। हाँ, क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि बाबा ने कहा दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से प्रसार होती है, तो शूटिंग भी चार अवस्थाओं से प्रसार होती है, ज्ञान भी चार अवस्थाओं से प्रसार होता है। ज्ञान ऊंची स्टेज का होगा, गहरी स्टेज का होगा, ज्यादा फोर्स वाला ज्ञान होगा तो अवस्था भी कैसी बनेगी? फोर्सफुल अवस्था बनेगी। और जब ज्ञान नीची स्टेज में पहुंच गया, ज्ञान का विस्तार हो गया, ज्ञान की बाढ़ आ गई, तो उसमें मिट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी? राम वाली आत्मा भी संघ के रंग में आएगी या नहीं आएगी? आएगी। असर पड़ेगा या नहीं असर? हाँ, दूसरों के मुकाबले असर कम पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है? आ गया। हाँ जी, हैं? मैं बाबा ने तो बोला है, फिल्म देखने से और उपन्यास पढ़ने से सबसे जास्ती आत्मा का पतन होता है, तो नहीं हो सकता है? हो सकता कि नहीं? और है? है? नटराज, नटवर, योगीराज, योगेश्वर, दो कहाँ हैं? जो नटवर है, नट माने नाट्य करने वाला, नाटकबाज। तो तुम बच्चों को खास कर कर्नाटक वालों से बोला, हद के कर्नाटक वालों से नहीं, किससे बोला? बेहद के कर्नाटक वालों से बोला कि तुम बच्चों को ईश्वरीय सेवा में पढ़ाने वाला जो टीचर मिला है वो नटवर है, नाट्य करने वालों में राजा है, बहुत अच्छा मिला है। तो कौन हुआ? रमली आत्मा हो गई। हाँ, और दूसरी बात, योगीश्वर, योगियों का ईश्वर, रोगियों को कंट्रोल करने वाला, या कोई दूसरा योगी है जो राम वाली आत्मा को कंट्रोल कर रहा है? नहीं, ज्ञान में कंट्रोल कर रहा है, ज्ञान में कंट्रोल कर रहा है, नहीं। तो ज्ञानेश्वर भी है, योगीश्वर भी है, नटवर भी है, संगम योगी है, सतयुगी कृष्ण नहीं है, उसका शास्त्रों में कोई गायन नहीं। और मांस मछली खाते हैं और उनके संस्कार भी वैसे ही हैं, जो मांस मछली खाते हैं तो उनके संस्कार भी वैसे बन जाते हैं। हाँ, उनको वो पुरुषार्थ भी करते हैं तो वो देवता बन पाएंगे? खाते ही रहेंगे, खाते ही रहेंगे, परिवर्तन होंगे ही नहीं तो कैसे देवता बनेंगे?
कोई संघ का रंग खराब लगाता रहे और अन्न दोष खराब ही लेता रहे, तो अन्न अगर उसका जानवरों का बना रहेगा, जानवर तो मांस भक्षी होते हैं ना, दूसरों का खून पीने वाले होते हैं ना, तो ऐसा भोजन अगर खाता रहेगा तो जानवर की बुद्धि बनेगी कि देवता की बुद्धि बनेगी? नहीं मालूम, इतनी सी बात नहीं मालूम? मालूम है ना? हाँ हाँ, हिंदुओं में सारे भाई बहन या भाई लोग कन्या माता है मंदिर में जाते हैं, हाँ, तो कोई मना नहीं करते। हाँ, हज की यात्रा होती है मुस्लिम में, हाँ, की यात्रा काबा में जाते हैं ना, हज की यात्रा होती है, तो वहाँ कन्या माताओं को अंदर नहीं जाने देते। हाँ, इसका राज क्या है बाबा? तुम्हारा काबा कौन सा है? है? तुम्हारा काबा कौन सा है? हैं? काबा है या नहीं है? वहाँ कन्या माताओं को नहीं जाने देते? कन्या माताएं माने किस किसकी तरफ इशारा है? हैं? अरे अरे, रुद्रमाला में कन्या माताएं हैं या नहीं है? है ना? उन कन्या माताओं को वहाँ काबा में जहाँ मुसलमानों का राज चल रहा है, अजमेर बेहद का, वहाँ जाने देते हैं? नहीं जाने देते। हाँ, यहाँ शूटिंग हो रही है ना, और अभी शनिदेव को भी चालू है बाबा, हैं? शनि मंदिर में भी चालू। हाँ, औरंगाबाद नजीक शनि मंदिर है, माताओं को तेल नहीं चढ़ाने देते। हाँ, और उसके लिए अभी झगड़ा चालू है, बंदिश है, झगड़ा चालू है, माताओं को भी चढ़ाने देते हैं ना तेल, क्योंकि सूर्य में और शनिदेव में प्यार रहता है या लड़ाई रहती है? लड़ाई। एक देवता है तो एक राक्षसी देवता है, क्या जो शनि देवता है वो मूछ वाला है या बिना मूछ वाला है? विकारी है या निर्विकारी है? हैं? विकारी के पास जाने देना चाहिए? हैं? नहीं जाने देना चाहिए। और कोनिया वालों को तो पहले साप्ताहिक कोर्स तो दो, एडवांस कोर्स तो दो, तो उनकी समझ में आएगा। अभी बाप के बच्चे बनेंगे तब समझ में आएगा, या रावण के बच्चे बने बैठे हैं तो उनको सीधा सुनाओ तो समझ में आ जाएगा? हैं? पहले भट्टी कराओ बाबा। हाँ, पावरफुल बनेगी, शरीर सड़ता हुआ जाएगा, इसका समय अभी भी चल रहा है, अभी शरीर सड़ते जा रहे हैं या कंचन काया बनती जा रही है? सड़ते जा रहे हैं। और इसके आगे और ज्यादा सड़ेंगे। हैं? इसके आगे और सड़ेंगे। हाँ, लेकिन आत्मा की पावर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी। बाकी देखो, जिससे काम लेंगे मशीन है, मशीन से काम लेंगे तो मशीन की ताकत बढ़ेगी, चलती रहेगी या ठप हो जाएगी? ये इंद्रियां भी मशीनरी हैं, इन इंद्रियों से काम लेते रहेंगे तो पावरफुल बनी रहेंगी, आत्मा से काम लेते रहेंगे तो पावर। आत्मा पावरफुल बनेगी, तो क्या करना है? आत्मा की पावर बढ़ाते रहो। और ओम शांति।